सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर स्लो केमिस्ट्री चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें हमारी आने वाली वीडियो के बारे में। स्टूडेंट, पिछले कुछ दिनों से मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर BAMS की काउंसलिंग कब होगी, BHMS की काउंसलिंग कब होगी। साथ ही कुछ बच्चों अपने नंबर अपनी रैंक कमेंट में मुझे भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि BAMS की काउंसलिंग कब होगी। BAMS की काउंसलिंग ही नहीं, मैं जितने भी आपके आयुष कोर्सेस हैं सबके बारे में आपको बताऊँगा कि इसकी काउंसलिंग कब होगी, ठीक है, और साथ ही आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट की जिन लोगों ने मुझे अपने नंबर भेजे हैं, अपनी रैंक भेजी है और पूछा है मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी जनरल या OBC कैटेगरी है और आपके नंबर 300 से नीचे हैं तो आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इतना मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा। अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो आप लोगों को काउंसलिंग और कट ऑफ मार्क्स के लिए अभी वेट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी SC ST कैटेगरी से हैं तो आप 300 से नीचे अभी रुक सकते हैं और आप लोगों को काउंसलिंग और कट ऑफ मार्क्स के लिए वेट करना चाहिए, आप लोगों को उम्मीद है कि मिल जाए, ठीक है। बाकी मैं बताना चाहूँगा, अब बात करना चाहूँगा उन लोगों की जिन लोगों ने मुझे परसेंटाइल भेजी है अपनी और पूछा है सर मुझे इतनी परसेंटाइल है मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैंने आपसे बात की थी 50% परसेंटाइल, 40% परसेंटाइल, इस तरीके से मैंने आपको बताया था जनरल OBC और SC ST के लिए। तो मैंने उसमें इस वजह से बताया था कि ये जो नोटिफिकेशन आयुष की तरफ से दिया गया था उसमें परसेंटाइल लेकर ही बताया गया था कि आपको क्वालीफाई करने के लिए इतने परसेंटाइल चाहिए। तो परसेंटाइल करने से आप क्वालीफाई तो कर जाएंगे, मतलब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन ये पक्का उससे नहीं हो जाता कि आपको मिलेगा ही कॉलेज, आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वो आपका डिसाइड होता है जो कट ऑफ मार्क्स आपके आते हैं और आपके नंबर कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है, उस हिसाब से वो डिसाइड होगा, तो जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब तो उम्मीद करता हूँ आप जिन लोगों ने भी नंबर भेजे थे या जिन लोगों ने परसेंटाइल जीती हो उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे या फिर उनको कुछ भी डाउट जो उनका थोड़ा बहुत था वो क्लियर हुआ होगा। अगर जो और कोई भी आपके डाउट होते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से आपके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और एक वीडियो उस पर और बनाने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं कि BAMS की आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए, यहाँ पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयुष मंत्रालय की तरफ से अभी नहीं आया है कि आपकी आयुष की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जब भी स्टार्ट होगी आपकी तभी वो होगी जब आपकी ये MBBS और BDS की काउंसलिंग के सभी राउंड हो जाएंगे, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मैं आइडिया आपको देना चाहूँगा कि ये लगभग कब हो सकती है। देखिए, आपके जो MBBS BDS की जो कंप्लीट काउंसलिंग होगी वो मॉपअप राउंड तक की मैं बात कर रहा हूँ। मॉपअप राउंड आपका लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक तक ख़त्म होने वाला है। अगस्त के फर्स्ट वीक तक अगर ये ख़त्म हो रहा है तो आपकी BAMS या फिर जो भी आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग है वो सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक से स्टार्ट होगी, अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि ये ही होगा, अगस्त से ही होगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग है वो अगस्त से, ये मैं बता रहा हूँ UP NEET के काउंसलिंग वाउचर के हिसाब से। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है डिटेल थोड़ी सी। देखिए, ये है मेरे पास UP NEET 2018 के काउंसलिंग वाउचर जिसमें आपको कुछ डिटेल दी गई है MBBS और BDS के एडमिशन को लेकर। तो यहाँ जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपकी फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो स्टार्ट हो गई है, मतलब 20 जुलाई से उसके रजिस्ट्रेशन होने थे और इसके जो एडमिशन लिए जाएंगे वो 7 से 12 जुलाई तक आपके लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 7 से 12 जुलाई के बाद आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी 13 जुलाई से, जो कि आपकी चलेगी 27 जुलाई से 2 अगस्त तक, जिसके इसके सेकंड काउंसलिंग के बाद आपका स्टार्ट होगा मॉपअप राउंड, और मॉपअप राउंड के जो लास्ट डेट है वो आपकी 4 अगस्त तक आपके जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसी हिसाब से मान लीजिए 4 अगस्त को भी अगर ये कंप्लीट हो रहा है मॉपअप राउंड के बाद काउंसलिंग MBBS BDS की ख़त्म हो रही है, तो इसी हिसाब से मैंने आपको बताया है कि आपका जो आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग है वो आपकी सेकंड वीक या फर्स्ट वो थर्ड वीक से आपकी स्टार्ट होगी अगस्त के, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आपको कुछ आइडिया लगेगा कि BAMS की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। बाकी अगर कोई भी डिटेल आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से अगर आता है काउंसलिंग को लेकर या रजिस्ट्रेशन को लेकर आयुष कोर्सेज की, तो उसकी वीडियो बनाकर मैं आपको जल्दी ही तुरंत अपडेट कराऊँगा। करना आपको बस इतना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उस चीज़ से अपडेट हो जाए। बात रही बाकी की कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी और आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं जल्द से जल्द आपके इस सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।